राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चैत शुक्ल पक्ष नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। और ये सब और ये जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ ही बिल्कुल फल फूल के आती है, तो जैसे कि अब नवरात्रे नया साल हमारा शुरू हुआ है, तो देखिए कितने अच्छे से प्रकृति भी खिल रही है। ये प्रकृति भी अपना श्रृंगार लेकर के खड़ी है। तो चलो इसी के साथ एक मैं छोटा सा और आपको आज टिप्स बता देती हूँ बीज इकट्ठे करने का। ये देखिए मेरा ये डेली का फूल मिलना मुश्किल होते हैं, ये जो हम मैंने फूल छोड़े थे आज मैं इसका आपको बताती हूँ। ये हमने निकाल लिए हैं और ये देखिए इसके अंदर कितने सारे ये फूल हैं, इसके अंदर बीज। ये देखिए ये डेलिया का बीज निकल गया है पत्तियों के बीच से। अब इसको हम स्टोर करके ठंडी जगह पे रख देंगे, तो आप जितने कलर का भी डेलिया आपके पास है सबका फूल इकट्ठा करके बांट भी सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या इसके बल्ब ख़राब हो जाते हैं, मेरे खुद कई सारे बल्ब थे सब कलर के अब की बार ख़राब हो गए। ऐसी ही जो कलंजू का पौधा है इसके भी हम ऐसे ही बीज इकट्ठे कर लेते हैं, इनके बीच में ही बीज होते हैं बारीक बारीक। क्योंकि डेलिया अब जा रहा है, हम जितना इसको समेट के इसके फूलों को रख लेंगे जो हमने बचाए थे, तो हम अपना फूल इकट्ठा कर सकते हैं इनके बीज। और अगर आप चाहो तो एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास ये वाइट पिंक और पर्पल के हैं शेड, आप जो मुझसे लेना चाहें मैं आपको बीज दे सकती हूँ। ये देखिए ये इसका जो गेंदा है, ये इसके फूल हैं, जो फूल है जिसके मार्केट में जनरली आते हैं। तो हर फूल के साथ से आपको बहुत सारे बीज मिल जाएंगे अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो। बस बीज इकट्ठा करने की, महंगे पौधों की ये छोटी सी जानकारी। फिर दोबारा जय माता दी और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल मंगलमय हो।